तो दोस्तों चलिए जानते हैं देश एवं राज्यों की टुडेज ब्रेकिंग न्यूज, ताजा समाचार, मुख्य हेडलाइंस, आज की तमाम बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, हर एक बड़ी खबर सिलेक्टेड एवं आपके काम की रहने वाली है, तो गुजारिश है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बिना काट पीट किए देखते रहिएगा। तो जी हां दोस्तों, देशवासियों के लिए 1 तारीख से देश में होने जा रहे हैं यह 10 बड़े बदलाव। देश की केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से हुआ है बड़ा ऐलान, शराब पीने वालों और बीड़ी, गुटखा, पान मसाला खाने वालों को लगेगा बड़ा झटका। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 6,000 नहीं बल्कि मिलेंगे 10,000 रुपए। सरकार ने किया है इतने बड़े फायदे का ऐलान। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो बने रहिए वीडियो में। साथ ही इस बैंक में अगर आपका भी है खाता तो अब सरकार देने वाली है आपको बिल्कुल मुफ्त में यह सर्विस, बस आपका होना चाहिए बैंक में अकाउंट। अगर आपका भी है खाता तो जान ले पूरी खबर, अभी अभी की आई है बड़ी अपडेट। इसके साथ ही साथ इधर एक और बड़ी खबर, पुलिस में निकलने वाली है 8वीं और 5वीं पास तक के लिए भर्ती, महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं भर्ती, जाने कैसे करना है आवेदन। अगर आप भी पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, जल्द ही पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं, कैसे आवेदन करना होगा, कहां कहां के लोगों के लिए निकलेंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरा अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, रसोई गैस सिलेंडर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के साथ साथ मौसम समाचार को लेकर भी बड़ी खबरें आई हैं। साथ ही अगर आप किसान, महिला, मजदूर हैं और आपके पास आधार कार्ड है, साथ ही साथ बैंक में एक अकाउंट है, तो अब किसानों के साथ साथ देश के गरीब और महिलाओं को सरकार देने वाली है आज रात 12 बजे से 6,000 रुपये का लाभ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे मिलेगा लाभ, दिवाली का मिलने वाला है बड़ा तोहफा, तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको यह फ़ायदा मिलेगा, बने रहिए अंतिम तक। साथ ही साथ दिवाली से पहले तेल के दामों में होने वाली है बड़ी गिरावट, खाने का तेल, सरसों का तेल होने वाला है ज़बरदस्त सस्ता। इसके अलावा भाई और बहनों, इधर 5,000 से भी सस्ते में मिल रहा है वीवो का ज़बरदस्त 5G स्मार्टफोन, कर लीजिए तुरंत खरीदारी। अगर आप भी 5G स्मार्टफोन बेहद ही सस्ते में लेना चाहते हैं दोस्तों, एक भयंकर सस्ते सेल चल रही है। इसके अलावा अगले महीने किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे, इसकी भी पूरी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बैंकों में छुट्टियां हैं, कई दिनों तक यहां पर बैंक होने आ रहे हैं बंद, कोई ज़रूरी कामकाज है तो जान लें किस दिन रहेगी अवकाश है। तो ताज़ा अपडेट पूरी जानकारी देंगे किस किस दिन बैंकों में छुट्टियाँ रहेंगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, सफ़र के बसों में सफ़र करने वालों के लिए आई अच्छी खबर, इन राज्यों में सरकार ने सस्ता कर दिया है बसों का किराया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे गरीब भाई बहन महंगाई से परेशान हैं उनके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो कितने रुपए तक आखिरकार सस्ता किया गया है किराया, वो भी जानेंगे। इसके साथ ही साथ इधर 1,54,00,000 लोगों को सरकार देने वाली है 660 रुपये। दिवाली के मौके पर मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए सरकार खाते में भेजेगी पैसा। अगर आपके पास भी इस बार दिवाली के मौके पर रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिक्र न कीजिए, सरकार आपको 660 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजेगी, जिसका इस्तेमाल आप गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पैसे कैसे लेने हैं अपने अकाउंट में, दिवाली पर फ्री LPG गैस सिलेंडर का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा, इसकी पूरी खबर बस 2 मिनट के अंदर आपको मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो इधर देसी गाय पालने वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, गोपालकों को सरकार देगी अब इतने 1,000 रुपये का लाभ। जी हाँ दोस्तों, देश में यहाँ पर दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और देसी गायों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। तो कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको भी गाय पालने पर पैसा मिलेगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों इधर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला खाने पीने वालों को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि देश में जल्द ही महंगा होने जा रहे हैं ये सभी चीज़ें। जी हाँ, नया नियम लागू हो चुका है, आखिरकार सरकार ने इन्हें महंगा करने का क्यों फैसला किया है, कुछ ही मिनटों के बाद आपको बताया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इधर आधार कार्ड में तुरंत कर लें यह बड़ा बदलाव, नहीं तो देश भर में किसी को भी कहीं भी नहीं मिलेगी मुफ्त राशन। यदि आप भी राशन लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है, जो कि आज रात से जिन लोगों को आधार कार्ड में यह काम नहीं करवाया होगा उनको राशन नहीं मिलेगी। दोस्तों आखिरकार यह कौन सा बदलाव है, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर, आधार कार्ड के साथ साथ सरकार के द्वारा किए गए 3 ऐलानों की भी ताज़ा जानकारी देंगे और किसान भाइयों को सरकार मुफ्त में नलकूप लगवाने के लिए खेतों में 5,000 से 10,000 रुपए का फायदा भी दे रही है, तो उसकी भी जानकारी देंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ताकि हर एक भारतवासी के पास ये तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार पहुँच जाएँ। तो दोस्तों दरअसल आज की बेहद ही बड़ी खबर,
सिर्फ 7 रुपए की करें सेविंग और बदले में हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र के बीच में हैं तो सरकार ने आपके लिए एक बेहतरीन योजना का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, हर कोई अपने बुढ़ापे को बेहतर बनाना चाहता है और बुढ़ापे के समय में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए सरकार ने जो है पेंशन का एक ऐसा योजना लेकर आई है जिसमें आप भी मात्र 7 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं और इसमें आपको बुढ़ापे में 5,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना है जिसमें आपको गारंटीड पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। बुढ़ापे में किसी प्रकार की आपको फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, इसके लिए 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक भी आप पेंशन ले सकते हैं। तो अभी फटाफट से आप इसमें आवेदन करवाएं और बिना किसी हिचक के आप इसमें प्रीमियम जमा करना शुरू कर दें। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक के ग्राहकों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। अब यह सर्विस मिलेगी बिल्कुल मुफ्त, नहीं देना होगा 1 भी रुपए। दोस्तों नवरात्रि के मौके पर आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक सरकारी बैंक है, इससे एक बड़ी खबर आई है। बैंक की ओर से जितने भी खाता धारक हैं, अपने सभी खाता धारकों को, सभी अकाउंट होल्डर्स को RTGS, NEFT और IMPS में लगने वाले जो भी सर्विस चार्जेस थे उनको हटा दिया गया है। मतलब कि दोस्तों बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। अब आप कितना भी एक अमाउंट किसी को भी भेजते हैं अपने खाते से किसी के अकाउंट में, तो आपको उसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी। यानी ये सर्विस जो है PNB बैंक ने फ्री कर दी है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है इधर, 1 तारीख से देश भर में लग जाएगा यह नया नियम। शराब के ठेकों पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और शराब पीना पड़ेगा महंगा। सरकार ने उठाया है यह बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लब जाते हैं, बार जाते हैं या फिर शराब के ठेकों पर ही क्यों ना जाते हों, तो अब आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें करना 1 नवंबर से महंगा पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में आगामी 1 नवंबर से यहाँ पर मिलने वाली शराब जो है वो महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने परमिट रूम शराब सेवा के लिए वैट जो लगता है उसमें 5% का इजाफा कर दिया है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अब 10% का यहाँ पर बढ़ोतरी जो है सरकार ने ओवरऑल कर दी है, जिसके बाद जितने भी शराब के पदार्थ हैं, यहाँ जो मादक पदार्थ हैं, वो सभी अब यहाँ पर महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 अक्टूबर के बाद नहीं निकाल पाएंगे इस बैंक के खाता धारक अपने ही खाते से पैसे, जान लें आखिर क्यों। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर बड़ी खबर रही है। जिन लोगों का बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता है, उन लोगों को यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया पे अपना खाता रखा है और उसमें आपका डेबिट कार्ड है, मतलब ATM कार्ड है, तो आपका डेबिट कार्ड ATM कार्ड 31 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बैंक ने खुद ही यह जानकारी दी है, तो आपको भी सतर्क हो जाना है और बैंक से तुरंत कॉन्टैक्ट करना है आखिरकार यह क्यों यहाँ पर सरकार यह बैंक ने जो है निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM किसान योजना के तहत अब मिलेंगे 10,000 रुपये। सरकार किसानों के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी आपको 6,000 रुपये जो मिलते हैं, अब केंद्र सरकार उसमें आपको 6,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपये तक कर सकती है देखने के लिए। आखिरकार ऐसे सरकार ने क्यों कदम उठाया है, चलिए वो जानकारी देते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, PM किसान योजना के तहत जो आपको तिमाही या फिर 4 महीने पे जो आपको एक किस्त 2,000 रुपये की मिलती है, उसे सरकार ने यहाँ पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उससे पहले किसानों को सरकार जो है खुश करना चाहती है और फिर से केंद्र सरकार में आना चाहती है वापस, इसीलिए सरकार जो है किसानों को लुभाने के लिए तरह तरह की अब योजनाएं लेकर आने वाली है। तो दोस्तों आपके अनुसार सरकार को यहाँ पर यह राशि जल्दी से जल्दी बढ़ाई जानी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।